इंडिया के सदर्न स्टेट केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ये बात तो सबको पता होगी, पर क्या आपको पता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसे कहा जाता है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं केरला के कमर्शियल हब को, जो खास करके मसालों की ट्रेड की वजह से कई सौ सालों से जाना जाता है, और उसी समय से ये मालाबार कोस्ट का एक मेजर पोर्ट भी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोची की, जिसे हम कोचीन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्री बर्ड ट्रेवल्स में। आज की साइट सीइंग शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जान लेते हैं, जैसे कि कोची के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं। बीचेस, म्यूजियम्स, सुंदर चर्चेस, पैलेसेस, स्पाइस मार्केट, वो घर जहां वास्को डा गामा रुके थे, क्या कुछ नहीं है कोची में। कोची आने के सबसे अच्छे मंथ्स कौन कौन से हैं? मैं कहूंगा अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक, जब साइट सीइंग के लिए परफेक्ट वेदर रहता है और ह्यूमिडिटी भी कम ही रहती है। इसी बीच फेस्टिवल्स भी काफी सारे आते हैं, यानी छुट्टियां भी आसानी से मिल जाते हैं। कोची कैसे पहुंचा जा सकता है? ये कोस्टल सिटी बाय एयर, रेल और रोड बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है बाकी दुनिया के साथ। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नजदीकी एयरपोर्ट, जहाँ के लिए इंडिया के मेजर सिटीज के साथ साथ कई फॉरेन कंट्रीज के सिटीज से सीधे फ्लाइट मिल जाते हैं। कोची के दो मेजर रेलवे स्टेशन हैं एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम जंक्शन, जो वेरी वेल कनेक्टेड हैं रेलवे नेटवर्क के थ्रू। बाय रोड भी ये जगह नेबरिंग स्टेट्स के मेजर सिटीज के साथ नेशनल हाईवे के थ्रू जुड़ा हुआ है, और बसेस बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, मैसूर और कोयम्बटूर जैसे सिटीज से आसानी से मिल जाते हैं। कोची में कौन कौन से पॉपुलर लोकल डिशेस ट्राई किए जा सकते हैं? कडाला करी या काले चने की करी के साथ अप्पम या इडियाप्पम या पुट्टू खाया जा सकता है। अप्पम बनता है चावल और नारियल के दूध से, और इसे स्ट्यू के साथ भी खाया जाता है। इडियाप्पम होता है चावल के आटे का एक नूडल्स वाला वेरिएंट, और पुट्टू होता है चावल और कसे हुए नारियल से बना एक सिलिंड्रिकल राइस केक। केरला परोटा को किसी भी वेज और नॉन वेज करी के साथ खाया जा सकता है। केरला सड्या एक ग्रैंड वेजिटेरियन लंच होता है, जिसमें एक बनाना लीफ में कई तरह के डिशेस को सर्व किया जाता है। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं, तो आपके पास यहाँ ढेरों ऑप्शंस हैं, जैसे कि फिश करी मीन और प्रॉन के भी कई डिशेस। एग्रोस्ट को भी काफी पसंद किया जाता है और काफी चीजों के साथ खाया जाता है। उसके अलावा मालाबार बिरयानी और काफी पसंद किए जाने वाला पायसम तो है ही। आपको लोकल लैंग्वेज मलयालम नहीं आती तो क्या आपको इश्यूज होंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग काफी वेलकमिंग और फ्रेंडली होते हैं। ऊपर से लिटरेसी रेट है अनबिलीवेबल 94%। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश या हिंदी आती है तो वो काफी है। आप बस ये 6 वर्ड सीख लीजिए, किसी के साथ भी एक रिस्पेक्टफुल और प्लेजेंट कन्वर्सेशन करने में काम आएगा। और शॉपिंग करने के लिए कोची कैसा है? मसालों से लेकर ट्रेडिशनल कसाबू सारीज, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक्स, बनाना चिप्स जैसे कई चीजें आप साथ ले जाना चाहेंगे। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, यानी साइट सीइंग करने। साइट सीइंग करने के कई मीडियम्स हो सकते हैं। मुझे पता चला कि अगर आप टैक्सी से साइट सीइंग करना चाहते हैं तो उसका प्राइस होता है 2300 से 2500 रुपए, जबकि ये हो जाता है 1200 रुपए में अगर आप ऑटो रिक्शे से घूमना चाहते हैं। पर मैंने एक एंटॉर्क रेंट पे ले लिया है, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, और आके सबसे पहले पहुँच गया हूँ इंडियन नेवल मैरिटाइम म्यूजियम के पास, जो कि फोर्ट कोची एरिया में है। ये म्यूजियम शोकेस करता है हमारी इंडियन नेवी के ग्लोरियस पास्ट को। इंडियन नेवी की शुरुआत कैसे हुई, उनके किस्से, कहानियां, यूनिफॉर्म्स, बैजेस, वॉरशिप्स के मिनिएचर्स जैसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ। आपको हिस्ट्री में रुचि है तो इंडस वैली, हरप्पा सिविलाइजेशन से लेके केरला का अरब्स और पोर्तुगीज के साथ कैसे ट्रेड्स होने लगे, इंडिया के पहले मैरिटाइम डिफेंस के तौर पे कैसे कुंजली मार्कर्स ने पोर्तुगीज के सामने जाबाजी दिखाई, इंडिपेंडेंस के बाद के स्पेशल ऑपरेशंस और वॉर्स में इंडियन नेवी का कैसा रोल रहा, इन सब के बारे में आपको यहाँ विस्तार से जानने को मिलेगा। इस कंपाउंड में ही आप कई मिसाइल्स और टॉर्पीडोज देख सकते हैं, पर सबसे खास है ये रियल सीकिंग, शायद MK-42 है ये। विशाखापट्टनम वाले एपिसोड में हमने इसे उड़ते हुए देखा था। इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम मुझे इतना खास नहीं लगा और आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर फोकलोर म्यूजियम काफी अमेजिंग है। म्यूजियम में एंटर करने से पहले ही मैंने नोटिस किया कि इसकी आर्किटेक्चर वाकई कमाल की है।
पिछले 1000 सालों में केरला के आम इंसानों की लाइफस्टाइल और कल्चर कैसी रही है, ये म्यूजियम सोलली उसी पे बेस्ड है और माना जाता है कि इस मामले में केरला का इकलौता ऐसा म्यूजियम है। ये टेम्पल ऑफ आर्ट 3 फ्लोर्स या कह सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ग्राउंड फ्लोर में आपको नॉर्दर्न केरला के, फर्स्ट फ्लोर में सेंट्रल केरला के और टॉप फ्लोर में सदर्न केरला के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो स्टोन, वुड, ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा जो ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, ऑयल लैंप्स, ट्राइबल और फोक आर्ट्स हैं, उनमें से कुछ को आप खरीद भी सकते हैं। मेरा टाइम यहाँ काफी अच्छा रहा और आपको ऐसी चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो मैं ये जगह बिल्कुल रेकमेंड करूंगा। उसके बाद मैं आके पहुंच गया हूं द मजेस्टिक सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका में, जो इंडिया के सबसे खास बेसिलिकास में से एक है। बेसिलिका एक स्पेशल टाइटल होता है जो कैथेड्रल्स को दिया जाता है, और कैथेड्रल्स आकार में चर्चेस से काफी बड़े होते हैं और वहां बिशप्स के लिए एक परमानेंट सीट होता है। इस कैथेड्रल को साल 1984 में बेसिलिका घोषित किया गया। अभी जिस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, इसे साल 1905 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री 500 साल पहले तक जाती है, क्योंकि पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया में बनाया गया दूसरा चर्च यहीं पर ही था, जिसे साल 1505 में बनाया गया था। इंडो यूरोपियन और गॉथिक आर्किटेक्चर वाली इस बेसिलिका का इंटीरियर देखने लायक है। यहाँ के स्टेन्ड ग्लासेस, पेंटिंग्स, खास करके द लास्ट सपर का ये इमिटेशन बहुत अमेजिंग है। लंच करने के लिए रुक गया हूँ सेंटा क्रूज बेसिलिका के ठीक सामने ही। मैरिस किचन है, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। बहुत ही क्यूट सा लगा मुझे ये, और कुछ ऑथेंटिक केरला का मुझे खाना था, तो मैंने यहाँ पे जो ओनर है उनसे पूछा कि क्या ट्राई किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं फिश मैंगो करी ट्राई कर सकता हूँ। ये तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है और नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और इसके साथ एक ग्रीन सैलड और चपाती मैंने ऑर्डर किया है। चपाती और सैलड तो ठीक है, लेकिन ये देखिए कितना अमाउंट है इसका, और एक पूरा का पूरा मछली है। आई डोंट नो कैसे खाना है इसको। ब्लैक स्नाइपर है इसका नाम, मुझे देख के ही डर लग रहा है, पर आई हैव टू ट्राई। फ्लेवर ज़्यादा नहीं है और एक्चुअली टेस्ट भी नहीं पता चल पा रहा है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना खट्टा नहीं है, नॉर्मल माइल्ड सा है। और ये आम के पीसेस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला डिश, फिश मैंगो करी। बेसिलिका से ज़्यादा दूर नहीं है वास्को हाउस। माना जाता है ये वही घर है जहाँ फेमस एक्सप्लोरर वास्को डा गामा कई साल तक रुके थे, उनके साल 1524 में हुए डेथ से पहले। तो 500 साल से भी ज्यादा पुराना है ये घर, जिसे आजकल एक होमस्टे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप अपने कोची ट्रिप में यहाँ रुकना चाहेंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस घर को बिग बी शूटिंग लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भी हो, इस घर के सामने एक फोटो लेना तो बनता है। वास्को हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर है सेंट फ्रांसिस चर्च। साल 1663 में पोर्तुगीज के बाद जब डच ने कोचीन को अपने कब्जे में ले लिया, तब उन्होंने यहाँ के सभी कैथोलिक चर्च को तबाह कर दिया, बस दो को छोड़ के। एक था सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका और दूसरा था यही सेंट फ्रांसिस चर्च। इसी चर्च के अंदर राइट हैंड साइड पे एक जगह को मार्क किया गया है जहां वास्को डा गामा को साल 1524 में दफनाया गया था। हालांकि 14 साल बाद उनके रिमेंस को पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन ले जाया गया। पास ही है एक स्ट्रीट जिसका नाम है प्रिंसेस स्ट्रीट, जहां लोग दूर दूर से फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। इस स्ट्रीट की बात ही अलग है और यहाँ पे फोटोशूट के अलावा आप अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जगह कोची बीच से ज्यादा दूर नहीं है।
मैंने देखा कि कोची बीच नहाने या पानी में जाने के लिए नहीं है, पर हाँ इसके किनारे प्रॉपर पैथ बनाया गया है वॉक करने के लिए, और बैठने के लिए भी सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है। प्लस जरूरत के शॉप्स भी हैं, कोकोनट वाटर और हल्के फुल्के स्नैक्स के भी। माहौल बहुत अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं। कोची एक पोर्ट सिटी है, बस इतना ही नहीं, यहाँ पर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भी, जो इंडिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है, जहाँ शिप्स को बनाया जाता है और उनका मेंटेनेंस भी किया जाता है। इंडियन नेवी के पहले इंडिजिनस यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी यहीं पर बनाया गया था। उसके अलावा कोची को गेटवे टू लक्षद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार आप कोची पहुंच जाते हैं तो फिर बड़े आसानी से आप बाय फ्लाइट या बाय क्रूज लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। और एक खास बात, आप जब भी गूगल इमेजेस में कोची सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे ऐसे इमेजेस देखने को मिलेंगे। क्या है ये? दरअसल ये हैं चाइनीज फिशिंग नेट्स। इन्हें इस्तेमाल में लाया गया करीब 600 से 700 साल पहले। इनमें सागवान की लकड़ी और बैम्बू के पोल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, और देखने में ये जॉइंट हैमक्स की तरह लगते हैं। ऊंचाई होती है करीब 10 मीटर और काउंटरवेट के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चेक पोस्ट वगैरह में होता है। आप चाहें तो मछली पकड़ने के काम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आके पहुंच गया हूं मटन चेरी पैलेस पे, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है। इस पैलेस में आपको कॉलोनियल और केरला के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल का बड़ा सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इसे साल 1545 में पोर्तुगीज के द्वारा वीर केरला वर्मा के लिए एक तोहफे के तौर पे बनाया गया था। बाद में डच के द्वारा कई रेनोवेशन किए गए, जिसकी वजह से इसे डच पैलेस भी कहा जाने लगा। ऊपर वाले फ्लोर पे एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, जहां आप रॉयल लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं, ओरिजिनल पेंटिंग्स को देख सकते हैं जिन्हें दीवारों पे बनाए गए हैं, और केरला के पिछले 500 सालों के टाइमलाइन और राजाओं के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। अंदर फोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर ट्रस्ट मी, यहां भी आपको आना ही चाहिए। डच पैलेस के बगल में ही आपको दिख जाता है ये परदेसी सिनागोग, पर वहां हमें घूम के ज्यूटान होके जाना होगा, जो पहले एक ज्यूश सेटलमेंट हुआ करता था। मटनचेरी का ये ज्यूटाउन एरिया काफी कलरफुल है, और स्पाइसेस के साथ साथ बहुत सारे एंटीक शॉप्स हैं यहाँ, जहाँ क्या कुछ मिल जाता है उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मैंने एक शॉप में अभी एक विंटेज कार भी देखा। आर्ट लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। फिर ये सुंदर सा सिनागोग लेन हमें ले जाता है साल 1568 में बने इस ज्यूश प्लेस ऑफ वर्शिप में, जो कॉमनवेल्थ देशों में बने ज्यूश टेम्पल्स में सबसे पुराना है। इसे एक्चुअली परदेसी सिनागोग कहा जाता है, क्योंकि परदेसी विदेशियों को कहा जाता है, और यहाँ पे कोडुंगल्लूर, यूरोप और मिडिल ईस्ट के ज्यूज के मिक्स वाइट ज्यूज को रेफर किया जा रहा है। इसी ज्यूटान में ही इंटरनेशनल पुलिस म्यूजियम, परफ्यूम म्यूजियम जैसे कई और चीजें हैं, जिन्हें आप अपने टाइम के हिसाब से घूम के देख सकते हैं। कोची को अच्छे से घूमने के लिए 2 दिन का ड्यूरेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ के कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता है मरीन ड्राइव, जहाँ इवनिंग में वॉक करने का मजा ही कुछ और होता है। बोलगाटी पैलेस, लुलू मॉल, कोडानाड एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, विलिंगडन आइलैंड जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड है, चेराई बीच, ऐसे कई और जगह। तो आप कब बना रहे हैं केरला का प्लान, कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।